समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती मामले में बड़ा दावा कर दिया है। उनका दावा है कि गुजरात की कंपनी ने पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराया है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों की यही पहचान है, झूठों को काम, झूठों को सलाम। ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित कराने वाली गुजरात की कंपनी है, पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ। अखिलेश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा गुणवत्ता की जांच की जाए। जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाएगा तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसमें काम देने वाली उत्तर प्रदेश के उस मंत्रालय और उसके विभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी है, मतलब ये भ्रष्टाचार की साझेदारी है। इस परीक्षा का आयोजन से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि एक एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जांच हो और जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उसे उसके काम से मुक्त रखा जाए और संलिप्तता सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अखिलेश ने कहा कि हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही या काम करने की इच्छुक कर रही बाहरी कंपनी की गहन जांच हो और सब कुछ सही पाए जाने पर ही काम दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जब काम गलत होता है तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को ठेस पहुंचती है और प्रदेश में पैसों की बर्बादी भी होती है। इन सब का खामियाजा आखिर आम जनता को भुगतना पड़ता है। साथ ही ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए और केवल तभी बाहरी कंपनियों को काम दिया जाए जब यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों या स्थानीय कंपनियों के पास कार्य को समय की सीमा में गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराने या उतने बड़े काम नहीं करने के अनुभव का अभाव। सपा प्रमुख ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोजर के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या, और ये भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या नहीं। यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वही भाजपा सरकार है जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फरमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। आपको बता दें कि UPSTF द्वारा की गई जांच में पेपर कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट का नाम सामने आया जो गुजरात की कंपनी है और उसके मालिक का नाम विनीत आर्य है जो फिलहाल विदेश भाग चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।